वाली छात्रा का आंख से जलने का मामला सामने आया, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पप्पू अनुरागी की 15 वर्षीय बेटी सपना छतरपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रुकी हुई थी। दरअसल बचपन से ही सपना की मां चल बसी थी, जिसके चलते पिता शहर में अपनी बहन के यहाँ सपना को छोड़ आए थे, ताकि उसकी माँ की कभी उसको कमी महसूस ना हो। इसी के चलते सपना अपनी बुआ के यहाँ रह रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि बुआ के घर जब उसने लकड़ी के कच्चे चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी अचानक उसके दुपट्टे में आग लग गई, जिसके चलते बुरी तरह से वह जल गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कौन सा चूल्हा था, गैस चूल्हा था कि लकड़ी वाला? लकड़ी वाला चूल्हा। तो क्या मानते हैं, लकड़ी वाले चूल्हे में ज्यादा आग लग गई, इस कारण हो गया? जैसे आग ज्यादा लकड़ी चूल्हा में लगा दे तो कढ़ाई ज्यादा नहीं हो जाती है, तेल गर्म हो गया, उसने पानी लेकर उठा के पानी से। कितने साल की थी? 15 साल की। पढ़ती थी स्कूल में? नहीं पढ़ती थी। नहीं पढ़ती थी, जाती थी, मेरा मन नहीं पढ़ने का। यहाँ खाना बना रहे, खाना बना रहे, आग लग गई, जल के खत्म हो गई।